दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल घूमी किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर विराट पहुँचता है श्रुति के पास में। श्रुति काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सदानंद को याद करती है और ये भी कहती है कि तुमने अपने मेरे लिए किस किस को दाव पर लगा दिया है। अपनी वाइफ के साथ रिश्ते खराब कर लिए, अपनी जॉब को इतना दाव पर लगा दिया है, तो दूसरी तरफ सही अपने अवार्ड फंक्शन के लिए तैयार नहीं हो रही थी। और अश्विनी और यहाँ पर देवयानी दोनों ही उसे मनाने की कोशिश करते हैं कि तुम अपने अवार्ड फंक्शन में लेट पहुँचोगी। और यहाँ पर वो विराट का इंतजार कर रही होती कि क्योंकि वो उसे शॉपिंग पर ले जाने वाला था सुबह सुबह ही, लेकिन पत्र लेकर आकर सारा काम खराब कर देती है और कहती है कि तू विराट से क्या उम्मीद रख सकती हो, उसने पहले भी किसी को धोखा दिया है और वो अभी भी धोखा ही दे रहा होगा। और वो विराट और सही विराट के बारे में काफ़ी कुछ कह जाती है। इसके लिए वो सही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पहले तो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिमाग में फिर से वही सवाल चलने लग जाते हैं श्रुति के। और वो अश्विनी के सामने रोते नजर आती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। निनाद उससे वादा करता है कि वो उसे कॉलेज जरूर छोड़ने जाएगा, लेकिन सई का गुस्सा फूट चुका है और वो साफ कह देती है कि अगर श्रुति के साथ उनका कोई रिश्ता रहा तो वो अपने रिश्ते को विराट के साथ कभी भी नहीं बनने देगी। उसी तरफ देखने को मिलता है कि विराट श्रुति को संभालते नजर आता है और कहता है कि तुम्हें अभी ये सब कुछ लग रहा है कि तुम अकेली हो, ये हो, वो हो, और विराट उसका काफी ध्यान रख रहा होता है और उसके लेबर पेन भी शुरू हो जाता है। तो कहती है आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, और विराट को फंक्शन में जाना होता है लेकिन फिर भी वो वहाँ से नहीं हिल सकता। और यही सबसे बड़ी मुसीबत आएगी कि सही यहाँ पर निनाद के कहने पर निनाद के साथ नहीं कॉलेज पहुंचेगी और अकेले ही अवार्ड फंक्शन अटेंड करेगी। वहीं पर देखने को मिलने वाला है कि अब सही बहुत बुरी तरह से विराट से नाराज हो जाएगी क्योंकि वो खुद ही श्रुति को और विराट को साथ में देख लेगी। तो वही सही का सामना होगा सदानंद से, जो कि जिंदा लौट कर आएगा और सही को और ज्यादा गलतफहमी हो जाएगी कि वो इस तरह से सोच ही नहीं पाएगी कि सदानंद की भी कोई वाइफ है। और यहाँ पर सभी मामला बिगड़ जाएगा और सदानंद इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करेगा और सही को ही दांव पर लगा देगा। तो देखने को मिलेगा अब कैसे विराट अब श्रुति को सही को दोनों को बचाता है और अपने रिश्ते को भी।